सीतापुर में सड़क हादसे में हुई मासूम बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने आज शव रख कर नेशनल हाईवे 24 पर जाम लगाकर जमकर हंगामी प्रदर्शन किया है। पुलिस पर 24 घंटे बाद भी कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर हाईवे को जाम कर दिया। परिजनों ने आरोपी कार चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए तकरीबन 30 मिनट तक हाईवे को बंद कर प्रदर्शन किया है। घटना कमलापुर थाना इलाके की है। यहां बीती कल शाम फतेहपुर मजरा बैंकुड निवासी राकेश की 4 वर्षीय पुत्री राखी दुकान पर सामान लेने गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक इसी दौरान सड़क पर गांव के ही निवासी फयाज पुत्र फजाल अपनी कार टीयूबी चला रहा था और उससे ही मासूम बच्ची राखी को टक्कर मार दी। क्या बताऊं भाई, हमको उसकी लड़की खत्म हुई, उसको इंसाफ चाहिए, खुल हमको चाहिए। हाँ इंसाफ, क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ कर रही है, बताओ क्या कार्रवाई किया है इन लोगों ने, क्या कार्रवाई किया सड़क पर बताओ। चलो गाड़ी एक्सीडेंट है साहब, मरी है, मरी का जान मोदी करने लग रहे, मरे जलन मार जा रहे हैं, जलन सामने ही है तो दे दो का बनाया है बहुत। घायल अवस्था में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों से तहरीर प्राप्त की। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने और आरोपी पक्ष द्वारा मुकदमा वापस लेने की धमकी देने से परिजन नाराज थे। हंगामी प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को काफी देर तक समझाने के उपरांत नेशनल हाईवे 24 का जाम खुलवाया और जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम को दबिश के लिए भेजा गया है और जल्द ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर वाइज न्यूज़।